हेलो पीपल, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2015 के एग्जाम में पूछा गया था एक मार्क के लिए। इसकी स्टेटमेंट काफी लेंथी है तो मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ूंगा, मैं जस्ट एक इमेज डिस्प्ले कर रहा हूँ। आप वो इमेज देखो, पूरा क्वेश्चन अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। एनीवेज आई विल एक्सप्लेन इट। क्वेश्चन में कहा है कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल यूज हो रही है और हमें चाहिए एफिशिएंसी ऑफ 25%। बताओ वन वे प्रोपोगेशन क्या होना चाहिए, वन वे प्रोपोगेशन डिले कितना हो। ओके, ये डाटा आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब एफिशिएंसी 25% का मतलब है 1/1+2a 0.25 हो। देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है 1/1+2a, ये हमें चाहिए 25% यानी कि 0.25। अब a की वैल्यू होती है TP/TT, यानी कि ये होगा प्रोपोगेशन डिले डिवाइडेड बाय ट्रांसमिशन डिले। प्रोपोगेशन डिले हमें गिवन नहीं है, एक्चुअली हमें यही ढूंढना है कि प्रोपोगेशन डिले कितना हो। टीपी होता है वन वे प्रोपोगेशन डिले, तो यहां से आप बड़ी आसानी से टीपी डिटरमाइन कर पाओगे अगर टीपी की वैल्यू आपको पता हो। टीपी डायरेक्टली नहीं गिवन, बट इन दोनों चीजों से टीपी कैलकुलेट किया जा सकता है। सॉरी, टीटी ट्रांसमिशन डिले। ओके, टीटी होता है लेंथ ऑफ द पैकेट जो कि आपको गिवन है 1000 bytes डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। बैंडविड्थ या ट्रांसमिशन स्पीड गिवन है 10^6 बिट्स पर सेकंड। तो ये बाइट्स को भी बिट्स में कन्वर्ट कर लो 8 से मल्टीप्लाई करके। ओके, तो पैकेट साइज इतना है और बैंडविड्थ है 10^6 बिट्स पर सेकंड। अब देखो बिट्स और बिट्स कैंसिल हो जाएगा और जो यूनिट बचेगा वो होगा सेकंड्स। तो पर सेकंड न्यूमिरेटर में जाके सेकंड्स बन जाएगा। ये है 8/10^3 सेकंड्स, 8/10³ इतने सेकंड्स, यानी कि 8 milliseconds। तो आप देख सकते हो ट्रांसमिशन टाइम हमने ढूंढ लिया है। अब ट्रांसमिशन टाइम की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, ये होगा 1/1+2 × TP/8 milliseconds इज इक्वल टू 0.25। अब इसे सॉल्व करो, तो इसे सॉल्व करने पे आपको मिलेगा TP यानी कि प्रोपोगेशन डिले इज इक्वल टू 12 milliseconds। ओके, देखो ये 0.25 को मैंने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको ये मिलेगा। अब 25 इस साइड जाके नेगेटिव का हो जाएगा, यानी कि 0.75 इज इक्वल टू 1/16 आ जाएगा। देखो ये है 25/400। ओके, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करो, सो यू विल गेट दिस। अब इसे सॉल्व करने पे टीपी आ रहा है 12 milliseconds। यही आपसे पूछा था कि अगर हमें एफिशिएंसी 25% चाहिए, एफिशिएंसी एग्जैक्टली 25% हो तो टीपी कितना होना चाहिए। हमने देखा कि अगर हमें एफिशिएंसी 25% चाहिए तो टीपी की वैल्यू होनी चाहिए 12 milliseconds। ओके,